ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर मांगा सबूत, कहा पूरा पाकिस्तान दोषी नहीं। पुलवामा आतंकी हमले पर विपक्षी दलों के नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के बाद अब कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाया। पित्रोदा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। यही नहीं, उन्होंने एक तरफ से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए हैं और मारे गए लोगों की संख्या पूछी। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में आग लगने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के इंजन में आग लगने से 3 बोगियां आग की चपेट में आ गई हैं। खबर है कि ट्रेन में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं सभी यात्री ट्रेन से उतरकर भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया। भारत द्वारा पाकिस्तान सुपर लीग के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाए जाने के 1 महीने बाद पाकिस्तान ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारत में पाकिस्तान प्रीमियर लीग के आधिकारिक प्रसारण डिस्पोर्ट द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर टूर्नामेंट का प्रसारण रोके जाने के 1 महीने बाद लिया गया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में हुए शामिल, नई दिल्ली लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में गौतम गंभीर ने भाजपा ज्वाइन की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा का अब काफी विस्तार हुआ है, देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हुआ है। पहले यहाँ हम कमजोर होते थे, अब हम जीतने की स्थिति में हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, फिल्म बदला ने 67 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई। शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म बदला के जरिए अमिताभ बच्चन ने अपनी पिछली 2 फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए अपनी इस फिल्म से 67 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की इस सस्पेंस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। फिल्म को पहले हफ्ते में जहां 38 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं दूसरे हफ्ते में बदला ने 29 करोड़ 32 लाख रुपए की कमाई की। यानी इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों का ध्यान खींचा है। जेट एयरवेज को बर्बादी से बचाने के लिए पायलटों ने पीएम मोदी से मांगी मदद। आर्थिक रूप से खस्ता हाल हो चुके जेट एयरवेज के पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी और नगर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु से कंपनी को बचाने के लिए दखल देने और उनका लंबित वेतन जल्दी दिलाने की मांग की। अगर आपकी कोई भी राय है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और खबर पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर पढ़ सकते हैं। हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, उसे इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन पर और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।